में तो मारपीट चालू हो चुके। दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुली और येब द किलर हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर हाई बटन में भी है। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि येब द किलर शॉन को उसके घर से उठा लेता है और शॉन को लेकर अपने घर चले जाता है, और इधर गुल्ली बुल्ली भी पीछा करते करते येब के घर आ जाता है। लेकिन येब के घर में ताला लगा हुआ होता है, गुल्ली उस ताले को तोड़ने लगता है। ताले तोड़ने की आवाज से येब वापस घर के पास आ जाता है। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। येब को शक हो चुका है कि यहाँ पर कोई आया है, इसीलिए वो शॉन को उठाता है और उसे उठाकर एक आइलैंड पर लेकर जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली भी येब द किलर का पीछा करते करते उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद गुल्ली बुल्ली को पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक चुड़ैल भी घूम रही है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली डरते डरते आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि येब द किलर शॉन की बलि देने वाला है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बुल्ली को ये देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को कुछ भी कर शॉन को भी तुरंत बचाना होगा, नहीं तो ये येब द किलर यहीं पर शॉन के टुकड़े कर देगा। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार हम लोग शॉन को बचाएंगे कैसे? अगर हम लोग जल्दी ही कुछ नहीं करेंगे तो ये येब द किलर शॉन को मार देगा। गुल्ली बोलता, बुल्ली अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि इस आइलैंड पर एक चुड़ैल भी घूम रही है जो कि काफी खतरनाक है, और तुम्हें तो ये भी पता है कि उसने मेरे माँ बाप को भी मारा है। बुल्ली बोलता, लेकिन गुल्ली हम लोग शॉन को इसी तरह मरते हुए नहीं देख सकते, हमें जाकर येब का सामना करना चाहिए। गुल्ली बोलता है, हम लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। बुल्ली बुल्ली बोलता है, तुम कुछ भी कहो गुल्ली, लेकिन आज मैं येब द किलर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुल्ली बोलता है, पागल मत बनो बुल्ली, अगर येब द किलर या उस चुड़ैल को पता चल गया कि हम लोग इस आइलैंड पर आए हुए हैं तो वो हमारी बोटियां नोच लेंगे। बुल्ली बोलता है, अगर तुम्हें शॉन की मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं अकेले ही येब द किलर पर भारी पड़ जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, बुल्ली तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि हमें या तुम्हें जान गंवानी पड़े। लेकिन बुल्ली तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी गुल्ली बुल्ली के सामने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बुल्ली मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और फिर गुल्ली येब द किलर के सामने चला जाता है, और इधर गुल्ली झाड़ियों में से छिपकर ही सारा नजारा देख रहा होता है। येब शॉन का सर काटने जा ही रहा होता है, तभी गुल्ली वहाँ पर आवाज लगाता है और बोलता है, येब रुक जाओ, तुम मेरे होते हुए शॉन को छू भी नहीं सकते। येब गुल्ली को देख कर जोर जोर से हंसने लगता है। बुल्ली बोलता है, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, उसके बाद मैं तुम्हें हंसने लायक नहीं छोड़ूंगा। येब बुल्ली से बोलता है, तुम यहाँ बारात हो गए हो, लेकिन यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाने वाले। बुल्ली बोलता है, ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ से कौन वापस जिंदा जाने वाला है, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने खतरनाक आदमी है, और तुम बाबा को कैसे भूल सकते हो, उसने तो तुम्हें पिछली बार गिरा गिरा कर मारा था। येब बोलता है, मैं उस बुड्ढे को कैसे भूल सकता हूँ, उसने मुझे बहुत मारा था, और मैं तुम्हें मारने के बाद उस बुड्ढे को ही मारने वाला हूँ। बुल्ली बोलता है, पहले तो तुम मुझसे बचकर दिखाओ। और इधर गुल्ली बोलता है, लगता है कि बुल्ली पागल हो गया है, क्योंकि येब द किलर ने अभी तक बहुत लोगों को मारा है, तो ये बुल्ली किस खेत की मूली है, येब तो इसे एक बार में ही खीरे ककड़ी की तरह काट देगा। येब बुल्ली को बोलता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और बुल्ली भी येब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ये क्या, दोनों में तो मारपीट चालू हो चुके। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो येब के अखरोटों पर ही हमला कर दिया है। बुल्ली को लग रहा है कि अब वो ये लड़ाई जीत चुका है, और वो खुश भी है, और इधर गुल्ली भी बुल्ली की बहादुरी को देखकर काफी खुश है। लेकिन ये गुल्ली बुल्ली की बहुत बड़ी भूल है। तभी जंगलों के अंदर से बहुत ही भयानक भयानक आवाज आने लगती है। और फिर येब भी उठकर खड़ा हो जाता है, और येब उठने के बाद हंसने लगता है। बुल्ली बोलता, क्या हुआ येब, लगता है तुम इतनी पिटाई के बाद भी मन नहीं भरा। येब बोलता है, तुम मुझसे जीत सकते हो लेकिन उससे नहीं। बुल्ली बोलता है, किससे? येब बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा, जरा अपने पीछे तो देखो। बुल्ली जैसे ही देखता है वो चुड़ैल बुल्ली की तरफ ही आ रही होती है। बुल्ली और गुल्ली उस चुड़ैल को देख के काफी डर जाते हैं, और डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चुड़ैल देखने में ही बहुत भयानक लग रही है, और वो चुड़ैल आते के साथ ही बुल्ली पर छलांग लगा देती है, और वो अपने नोकीले दांतों से उसे चबाने की कोशिश करती है। ये नजारा देखने के बाद गुल्ली के मुंह से चीख निकल जाती है।
और फिर जेब और उस चुड़ैल की नज़र भी गुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली ये जैसे ही देखता है कि जेब द किलर और उस चुड़ैल की नज़र गुल्ली पर पड़ चुकी है, वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। Run. जेब बोलता है, आखिरकार ये कितने दूर भागेगा, जरा मैं भी तो देखूं, क्योंकि ये पूरा जंगल हमारा है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। गुल्ली भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। गुल्ली तो काफी डर के मारे कांप रहा है। गुल्ली बोलता है, मैंने बुल्ली को बोला था कि वो जेब के सामने ना जाए, अब उसके कारण मैं भी खतरे में आ चुका हूँ और पता नहीं वो लोग बुल्ली का क्या हाल किए होंगे। लेकिन लगता है कि गुल्ली पर किसी की नजर पड़ चुकी है। तभी गुल्ली के कंधे पर कोई हाथ रखता है। गुल्ली पलटता है, अरे ये क्या, ये तो रॉड है। गुल्ली रॉड को देखकर काफी खुश होता है। रॉड बोलता है, गुल्ली आखिरकार तुम इतनी सुनसान आइलैंड पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है। यहाँ पर एक खूंखार चुड़ैल घूम रही है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी बोटियां तक नोच लेगी, तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाओ। गुल्ली रोने लगता है। रॉड बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो और बुल्ली और सोन कहाँ है। गुल्ली बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया रॉड, क्योंकि जेब द किलर और इस आइलैंड की चुड़ैल ने बुल्ली और सोन को पकड़ लिया है और वो दोनों मेरा भी शिकार करने वाले थे, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ। लेकिन रॉड, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रॉड बोलता है, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने तुम लोगों को नाव से इस आइलैंड पर आते हुए देखा, मुझे लगा कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि आइलैंड कितना खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताने के लिए तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। गुल्ली बोलता है, लेकिन तुमने आने में काफी देर कर दी रॉड, क्योंकि बुल्ली और सोन तो जेब और उस चुड़ैल के कब्जे में है और वो लोग तो मुझे भी खोज रहे होंगे। रॉड, मैं तो बोलता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे कारण तुम भी मारे जाओगे। रॉड बोलता है, नहीं गुल्ली बुली, तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं तुम लोगों को इसी तरह मुसीबत में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, और अब मैं किसी भी कीमत पर बुल्ली और सोन को बचाकर ही रहूंगा। गुल्ली बोलता है, तो अब करना क्या है रॉड। रॉड बोलता है, मैं तो बोलता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और बाबा को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं बुल्ली और सोन का पता लगाता हूँ कि आखिरकार ये दोनों कहाँ है। गुल्ली बोलता, ठीक है रॉड, अपना ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूँ और बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर गुल्ली बाबा को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन गुल्ली की किस्मत तो काफी खराब है, वो चुड़ैल तो गुल्ली के सामने ही खड़ी है। तभी वो चुड़ैल गुल्ली पर डंडे से हमला करती है, जिससे कि गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। और फिर जेफ वहां पर आता है और गुल्ली पर चाकू से हमला करने लगता है। तो दोस्तों, आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुली और सोन का, क्या रॉड इन तीनों को बचा पाएगा या फिर इन तीनों को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्हें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा से कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।